जितना मुझे पे करना पड़ रहा है उतना मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। अभी तो वैसे सिचुएशन ऐसी है ना कि भाई धीरे धीरे मेरा सारा सामान बिकने पे आएगा। एग्जैक्ट कितना कर्जा है, किस किस चीज़ का कर्जा है, कितने लोन है, सब मैं शेयर करूँगा। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए चैनल की पहली वीडियो में। और ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। वैसे तो मुझे वीडियोज़ क्रिएट करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन ये मैंने नया चैनल क्रिएट किया है और इस पर मैं ब्लॉगिंग करूँगा, पर्सनल लाइफ शेयर करूँगा। क्योंकि इस समय जो मेरी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, एक हिसाब से अगर कहा जाए तो मेरे हिसाब से वर्स्ट फेस भी है लाइफ का। फाइनेंशियल मामले में हो गया, रिलेशनशिप के मामले में हो गया, मेंटली भी हो गया, डिप्रेशन भी कह सकते हो। मैंने सोचा यार इन सब चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करूँ ताकि फ्यूचर में जाके जब भी मैं कभी पास्ट को देखूँ तो मैं देख सकूँ कि यार अगर मैंने फ्यूचर में कभी भी कुछ इन चीज़ों से निकल के तरक्की करी या कुछ फ्यूचर में हासिल किया तो मैं इन चीज़ों को देख सकूँ और आपको भी बता सकूँ कि हाँ यार सबके लो होते हैं और सबके अप्स भी आते हैं। तो इस समय मेरी सिचुएशन कुछ सही नहीं है, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ब्लॉगिंग क्यों शुरू करी है तो मैं ये बता देता हूँ। एक्चुअली वीडियोस बनाते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं। 2017 में मैंने शुरू कर दिया था जब नवा नवा जियो आया था और यूट्यूब नवा नवा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, उस समय से मैंने शुरू कर दिया था। तो काफ़ी अप एंड डाउन देखे, काफ़ी कुछ सीखा है मैंने, तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात कि एक होता है ना यार, बंदे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो ये मेरा इंटरेस्ट हुआ वीडियोस क्रिएट करना। तो भाई वीडियोस का मेरे को इतना क्रेज़ रहा है कि मैंने भाई इसके लिए अराउंड 6-7 लाख का सामान ले लिया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे को कितना क्रेज़ है वीडियोस क्रिएट करने का। तो ये भी एक रीज़न है ब्लॉगिंग करने का। दूसरी बात भाई, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो बस मुझे शौक़ है कि मैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड करूं कैमरे पे और शेयर करूं, और फ्यूचर में कभी मुझे उन चीज़ों को देखना हो या रिकॉल करना हो या वापस जाके देखना हो कि क्या क्या चीज़ें थी, या लाइफ में कभी हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम कहां से उठ के आगे बढ़े हैं या हमारी सिचुएशंस क्या रही हैं। क्योंकि सभी इंसान का अच्छा बुरा दिन आता है, तो मैं वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, और आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि हो ऐसा कुछ रहा है ना कि जितना मुझे पे करना पड़ रहा है उतना मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। और एक्चुअली ये जो हुआ है मेन सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, इनके लिए जो मैंने गैजेट्स खरीदे थे वो एक मेन रीजंस था। मैंने सोचा था कि इन पे काम चलेगा मेरा तो मैं पे कर दूँगा, चला भी भाई। वो सब चीज़ें भी आगे मैं वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जिसके करके मुझे बंद करना पड़ा, जो कि मेरी वर्स्ट मिस्टेक थी। और उसके कारण आज मैं इतना मतलब कि फंस गया हूँ कर्ज़े में कि मैं जितना मुझे पे करना है बैंकों को उतना मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि मैं क्यों ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और ये भी है कि मैंने बीच में गैप लिया था, पर मुझे लगा कि नहीं यार इसको कंटिन्यू करना चाहिए, लाइफ में कुछ भी चल रहा है इसको करते रहना चाहिए। और बाकी मैं बहुत कुछ शेयर करूँगा यार, जो भी मैंने सीखा है, गलतियाँ करी हैं, किस वजह से कर्जा मेरे पे हुआ है और कितना कर्जा है, एग्जैक्ट कितना कर्जा है, किस किस चीज़ का कर्जा है, कितने लोन हैं, सब मैं शेयर करूँगा। और भाई बस यही है कि भाई फर्स्ट वीडियो है और फैंसी नहीं था। पहले तो मैंने सोचा था कि यार मैं अच्छे से फर्स्ट व्लॉग शूट करूँगा बहुत बढ़िया, पर मेरे को ऐसा लगा ना कि अभी सिचुएशन ऐसी कुछ चल रही है कि मैं बहुत अच्छे से वीडियोज़ क्रिएट कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जैसे भी हो रही है, जैसे भी बनती है, शुरू करते हैं, और फिर फ्यूचर में धीरे धीरे अगर समय अच्छा हुआ तो और भी कोशिश करेंगे बेटर से बेटर वीडियोस क्रिएट करने की। बाकी यही है यार, फ्यूचर में मैं बताऊंगा। अभी तो वैसे सिचुएशन ऐसी है ना कि भाई धीरे धीरे मेरा सारा सामान बिकने पे आएगा। जो चीज़ें मैंने खरीदी थी जब मेरे पास पैसा था, उन चीज़ों को मेरे को बेचना पड़ेगा अब कर्जे को वापस करने के लिए। जैसे कि जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ ना, ये भी बेचना पड़ेगा। मैंने 2 बाइकें खरीदी थी, उनमें से एक जो बड़ी बाइक है मेरी, महंगी बाइक है, उसको भी सेल करना पड़ेगा। ये 2 तो अभी जो है मेरे सामने हैं सेल करने के लिए, और मुझे पता नहीं, मैं अब देखूंगा कि क्या क्या चीज़ें जिनको निकाल के मैं पहले कर्ज़े को थोड़ा सा कम करूं। मेरा भी मेन मकसद यही है कि मैं कर्ज़ा कम करूं पहले। और इन दिनों मैंने इतना सीखा कि भाई पैसा कम कमा लो भाई, सुखी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है जीना। जब सिर पर कर्ज़ा चढ़ जाता ना भाई, देखो यार आपने नहीं पे करना है बैंकों को या नहीं देना है, फिर तो अलग बात है। जब आपको सीरियसली किसी के साथ रिलेशन, जैसे बैंक के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है आपको, फ्यूचर में भी आपको ये है कि बैंक से नीड्स रहेंगी, तो आप कभी बैंकों से रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहोगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ कि यार मेरे को टाइमली पे करना है चाहे जो भी हो जाए।
तो यही सिचुएशन थोड़ी बहुत चल रही हैं। तो भाई और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती रहती हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप लाइफ की प्रॉब्लम हो, मेंटल हो, तो वो सब भी शेयर करूँगा मैं फ्यूचर में। पर अभी जो मेन जो ये रीज़न था ये मैंने कर्जे वाला बता दिया। होप करता हूँ भाई कि आप सब जुड़ोगे यार, कनेक्ट हो गए, क्योंकि मैं कोई फ्रेंड्स ही नहीं रखना चाहता था, मैं अपनी सीरियस लाइफ प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आने वाली वीडियोस में सब कुछ क्लियर करूँगा अच्छे से। तो आज की वीडियो के लिए भाई इतना ही, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ब्लॉगिंग्स आपको अच्छी लगती हैं, और कमेंट में अपने सजेशंस देते रहना, मैं कोशिश करता रहूँगा आपके सजेशंस के हिसाब से कंटेंट को इम्प्रूव करने की। बाकी आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।